डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल इमेजिनेट प्रो पे। दोस्तों मैथमेटिकल रीजनिंग वीडियो वन, और इस क्लास में हम जानने वाले हैं ब्लड रिलेशन क्या होता है। इससे रिलेटेड दोस्तों आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आपका चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें यह क्वेश्चन हर बार आता है, और तो इस क्वेश्चन को करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम इसके बारे में देखेंगे, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, और उसके बाद में यूजीसी नेट में आज तक जो भी क्वेश्चन आए 2012 से लेकर 23 तक, वो सभी क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में, नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी, नंबर तीन पे दोस्तों आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2023 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे। जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आज के वो अलग है, आईसीटी के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं। जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर छह पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। नंबर सात पे दोस्तों आपको मैथ और डीआई के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिलेंगे नोट्स के अंदर। इस दौरान दोस्तों वीडियोस आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड मिलेगी, जो दोस्तों लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है, और जो रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। इस दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप 500 से लेकर 1000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है, तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए ब्लड रिलेशन को समझने से पहले हमें जो अपने रिलेशनशिप है उनको समझना ज़रूरी है, और इन क्वेश्चन को करने के लिए हमें कई तरह के वर्ड्स देखने को मिलेंगे, और इनका आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मतलब पता होना ज़रूरी है। एक बार मैं एग्ज़ाम देने गया था तो वहाँ पे हिंदी में तो मेरे को पता था, लेकिन इंग्लिश में मेरे को नहीं पता था। तो कई बार एग्ज़ाम में ऐसा होता है, ये था मेरा नैन्सी था, ये भतीजी इसको बोलते हैं, तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पता होनी चाहिए। तो इसमें जो बेसिक चीज़ें वो देख लेते हैं, वैसे तो आप सभी को पता ही है, माता पिता का पुत्र जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, भाई कहते हैं, और माता पिता की पुत्री जो होती है उसको हम बहन कहते हैं। पिता का भाई चाचा होता है, माता का भाई मामा होता है, और पिता की बहन बुआ कहते हैं उसको, या फिर पिता की बहन को बुआ कहते हैं, है ना, आंट, इंग्लिश में आंट कहते हैं उसको, माता की बहन को मौसी कहते हैं, और पिता के पिता दादा कहते हैं इनको, और माता के पिता को नाना कहते हैं। ये सारी चीज़ें आप सभी को पता है दोस्तों, तो आप एक बार फिर भी इनको देख लेना, ये देखना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूँ, भाई का जो पुत्र होता है वो भतीजा कहलाता है, और इंग्लिश में इसको नेफ्यू बोलते हैं। और कई बार क्या होता है कि जो क्वेश्चन पेपर है हमारा केवल इंग्लिश में होता है, हिंदी में वो होता ही नहीं है, कई कंपटीशन एग्जाम में हमने देखा है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पता होना ज़रूरी है। तो ये आप देख लेना दोस्तों, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर ये सारे रिलेशनशिप। और उसके बाद में देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारे क्वेश्चन करने के दौरान ध्यान रखनी है। देखिए कुछ रूल्स हैं, उनको आप ध्यान रखना। जब हम स्वयं की पीढ़ी का रिश्ता बताएं तो तीर को इस प्रकार लगाएंगे, जैसे हम इक्वल स्टेटस जहाँ पे होना हमारा, जैसे भाई बहन की बात चल रही है कि वो उसका भाई है, तो वहाँ पे इक्वल है, ए बी का भाई है, तो ये दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। और रिलेशनशिप में जैसे पति पत्नी की बात आ गई, माता पिता की बात आ गई, तो वो दोनों क्या है, इक्वल है। दादा दादी की बात आ गई, वो दोनों इक्वल है। तो इस तरह के जो भी इक्वल रिलेशनशिप है तो वहाँ पे हम इस तरह का साइन लगाएंगे, ये इक्वल का जो एरो है वो हम लगाएंगे। उसके बाद में हम बात करें, जब हम स्वयं से एक पीढ़ी ऊपर के संबंध के बारे में बताएं क्वेश्चन के अंदर, तो हम उसमें ऊपर का एरो लगाएंगे। जैसे एक पीढ़ी ऊपर हमारे पिता के बारे में बात हो रही है, चाचा के बारे में, सास ससुर माता के बारे में बात हो रही है, तो
ऊपर की ओर एरो लगाएंगे। जैसे अगर हम कहते बी जो है ए का पिता है, तो बी और ए को हम किस तरह से दिखाएंगे, ए हमने नीचे रख लिया और बी हमने ऊपर रख लिया, ये देखिए इस तरह से एरो ऐसे लगाएंगे, ये बी। तो इससे हमें पता चलेगा कि ए का पिता कौन है, बी है। तो जो ए का ए से बड़ा जो रिलेशन जो है बी का है, यहाँ से हमें पता चल जाएगा। उसके बाद में हम जब बात करें, जब हम स्वयं से दो पीढ़ी ऊपर की बात करें, दादा दादी की बात करें, नाना नानी की बात करें, तो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखिए यहाँ पे हम दो पीढ़ी ऊपर की बात करें, दादा की बात करें, जो बी जो है ए का दादा है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक एरो तो ये हो गया और दूसरा एरो हमारा ये हो गया, तो दो स्टेप हमने ऊपर इसको रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह से अगर हम बात करें, जब एक पीढ़ी नीचे हमें दर्शानी हो, जैसे वो मेरा बेटा है, वो मैं उसका चाचा लगता हूँ, इस तरह से हमें रिप्रेजेंट करना हो, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ए और नीचे ड्रॉप डाउन, इस तरह से नीचे की तरफ एरो लगाएंगे, तो जो बी जो है ए का बेटा है, ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ पे दिखा देंगे, उससे नीचे का रिलेशनशिप है, एक स्टेप नीचे का। इसी तरह से अगर दो स्टेप नीचे का हमें दिखाना हो, तो इस तरह से दो स्टेप नीचे हम दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आप इसमें दिखा सकते हैं, रिश्तों में जैसे वो ऐसे लिखेगा ना कि वो उसका पिता है, वो उसकी माँ है और वो उसका चाचा है, तो इस तरह से हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन किसका चाचा, कौन मेल है कौन फीमेल है, इस तरह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए आप देखिए, पुरुष के लिए आप प्लस का साइन लगा सकते हैं और नारी के लिए जो महिला है उसके लिए माइनस का साइन लगा सकते हैं, और ये आप अपने अकॉर्डिंग पुरुष को नेगेटिव भी कर सकते हैं और महिला को पॉजिटिव भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, तो आप इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम, उससे आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे क्वेश्चन करने हैं। देखिए, दया का भाई अमित है, ये देखो दया का भाई कौन है, अमित है। अब इन दोनों को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने बताया था ना इक्वल का साइन लगाएंगे, ये देखिए दया का भाई कौन है, अमित, दया का भाई अमित है, इस तरह से हमने इक्वल का निशान लगा लिया इस तरह से, ठीक है। आगे हम देखते हैं, दया चंद्रा का बेटा है, जो दया है ना, दया ये था, ये किसका बेटा है, चंद्रा का बेटा है, चंद्रा ये हो गया इसका बेटा है। अब ये देखिए यहाँ पे हो गया दया चंद्रा का बेटा हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं, विमल जो है चंद्रा के पिताजी है। अब चंद्रा के पिताजी कौन है, चंद्रा के पिताजी कौन है, विमल है। ये देखो, ये हमने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब हमें देखना है इसमें क्या पूछा गया है, तो अमित का विमल से क्या संबंध है। अब देखिए, अमित का विमल से क्या संबंध है, तो सबसे पहले ये देखिए, जो विमल अमित का सॉरी विमल जो है दया का क्या लगता है, दादा लगता है ना, और ये दोनों क्या आपस में भाई है, ठीक है, तो इसका भी दादा लगेगा, सिंपल सी बात है। तो ये देखो, तो हम कह सकते हैं कि अमित जो है विमल का पोता है, ठीक है, तो अमित क्या हुआ, अमित भी विमल का पोता हो जाए, क्योंकि दया जो है वो विमल का पोता है, ठीक। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, इससे आपको और ज्यादा क्लियरिटी होगी। ये देखें, ई का पुत्र ए है, ई का पुत्र ए है, ठीक है, ई ये हो गया, ये देखो ई का पुत्र ए, हमने ड्रॉप डाउन कर लिया है, नीचे की तरफ एरो कर ली, ठीक है, ई का पुत्र ए है। पुत्र के लिए क्या होता है, प्लस हमने देखा था, प्लस लगा लिया। उसके बाद में हम बात करते हैं, बी का पुत्र डी है। अब ये देखिए, बी का पुत्र क्या है, डी है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, ये भी हमने प्लस लिखा यहाँ पे। अब उसके बाद में हम बात करते, ए का विवाह एफ के साथ हुआ है, ए का विवाह एफ के साथ हुआ है, तो ये मैंने बताया था ना इक्वल स्टेटस है इन दोनों का, ये देखो ए का विवाह हुआ है इसके साथ में, ठीक है, इसको इस तरह से हम कर सकते हैं, इनको लिंक कर दिया, दोनों को लिंक कर दिया, लिंक करना मतलब पति पत्नी है ये, ठीक है, ए का विवाह एफ से हुआ है, और ए क्या था, हमारा मेल था, है ना, ए किसका पुत्र था, ए का पुत्र था। अब देखिए, बी की पुत्री एफ है, बी की पुत्री कौन है,
एफ है। अभी देखो बी की पुत्री एफ है, ये देखो बी की पुत्री एफ, यहाँ पे पुत्री के लिए हमने माइनस लगा दिया। अब देखो आगे हम बात करते हैं, डी ए से कैसे संबंधित है वो हमें पता करना है। अब जो डी जो है हमारा ये, वो ए से कैसे संबंधित है वो हमें पता करना है। अब देखिए ये जो डी है, डी बी का पुत्र था ठीक है, और एफ बी की पुत्री थी, तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों भाई बहन हो गए। और ये जो है ए एफ का पति हो गया ठीक है, तो पत्नी का भाई ये क्या हो गया डी, ये देखो डी क्या हो गया डी, अब ये देखो इसको इस तरह से ड्रॉ करो ठीक है। डी क्या है, पत्नी है ए की पत्नी है ठीक है, और डी क्या है, डी इसका भाई है, तो इसका क्या हो जाएगा, साला हो जाएगा, साला होगा, ये देखो ये देखो, तो हम कह सकते हैं कि डी ए का साला है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं इस तरह से, तो आप ट्राई जरूर करना भाई। दोस्तों अगर आपको यूजीसी नेट पेपर सेकंड सभी सब्जेक्ट के 2012 से लेके 2023 तक क्वेश्चन पेपर चाहिए विद ऑफिशियल आंसर की और आंसर टिक, तो आप हमारी वेबसाइट nimiji.net ज़रूर विजिट करना। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के साथ साथ स्टडी नोट्स भी मिलने वाले हैं। अगर आपको स्टडी नोट्स भी चाहिए प्लस में लाइव मॉक टेस्ट भी लेने हैं, तो हमारी वेबसाइट nimiji.net ज़रूर विजिट करना। थैंक यू दोस्तों। ठीक है, और अभी हम कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं जो यूजीसी नेट एग्जाम में आए हुए हैं। ये देखिए ये हम क्वेश्चन करते हैं, ये देखिए ये आया था हमारा जून 2016 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ए बी की बहन है। अब देखो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, ए जो है वो बी की बहन है, ए बी की बहन है, ए पे माइनस लगा दिया हमने ठीक है, ताकि मेल फीमेल का कन्फ्यूजन ना हो। एफ जी की पुत्री है, अब यहाँ पे देखिए एफ जी की पुत्री है, एफ यहाँ पे नहीं है, ये रहा, ये देखो ई, एक मिनट, एफ इसमें नहीं है, चलो कोई नहीं, आगे हम देखते हैं। सी बी की माता है, जो सी जो है ना, सी जो है वो बी की माता है ठीक है, ये वो मैंने बताया था ना, ऊपर की तरफ लिखेंगे, सी जो है वो बी की माता है ठीक है। डी सी का पिता है, अब देखिए डी जो है, डी सी का पिता है, अब ये देखिए ये हमने इसके ऊपर ले आए, ई डी की माता है, अब देखिए ई जो है, ई ये डी की माता है, ये ऊपर की तरफ जाते जा रहे दादा पर दादा बन रहे हैं ठीक है। तो अब हमें बताना है ए का डी से क्या संबंध है, अब ये देखिए ये रहा ए, और ए का डी से क्या संबंध है वो हमें बताना है। अभी देखिए एफ जी की पुत्री है, एफ जी ये तो हमने कोई रिलेशनशिप इसमें पूछा ही नहीं गया है, तो इसको हमें ड्रॉ करना कोई ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ पूछी गई है उसी को हमें वहाँ पे दर्शाना है। अब हमें क्या करना है, ए का डी से क्या संबंध है वो हमें बताना है। तो हमने इसमें पढ़ा था ना, ये देखिए सी जो है वो बी की माँ है, सी बी की माता है ठीक है, सी जो है बी की माता है, यहाँ ऊपर होगी, और ये दोनों क्या थे, भाई बहन थे ये ठीक है, तो ये जो सी है ए की भी माता होगी है ना। और आगे हम बात करते हैं, डी सी का पिता है, जो डी है सी का पिता है ठीक है, ये हो गया, तो ये इसकी माँ है और इसका पिता ये है, तो क्या हो गया, दादा हो गया, जो बी का दादा कौन हो गया, डी हो गया ठीक है, और जो ए है, ए जो है वो बी का भाई है, तो ये इसका भी दादा हो जाएगा, डी जो है ए का दादा हो जाएगा। और हमें क्या बताना है, ए का डी से संबंध क्या है, तो क्या होगा, ये डॉटर हो जाएगी, ये होगी पोती, होगी ग्रैंड डॉटर, पोती ये हो जाएगी ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करके देखना भाई, हमने हमारी ऐप निमिजी नेट में ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो वहाँ पे आप देखना, और वहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ हमने ये सॉल्यूशन दिए हुए, इस तरह से आप देख सकते हैं, इन डायग्राम को देख के आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं, और खुद भी डायग्राम ड्रॉ करने का प्रयास करना, इससे आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, एक महिला ने अपने पति से राकेश का परिचय कराते हुए कहा, अब देखिए एक महिला ने अपने पति से राकेश का परिचय कराते हुए कहा,
इसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। अब देखो, योगी महिला, ये हो गया राकेश, ठीक है। और एक महिला ने अपने पति से राकेश का परिचय कराते हुए कहा, अब राकेश कौन है, ये रहा, ठीक है। राकेश का परिचय कराते हुए क्या कहा, इसके भाई के पिता, राकेश के भाई कौन है, राकेश का भाई ये हो गया, राकेश के भाई के पिता, भाई का पिता ये लिख लिया ऊपर, ठीक है, मेरे दादा के इकलौते पुत्र है। अब महिला का दादा कौन हो गया, महिला का दादा और इसका इकलौता पुत्र, ठीक है। ये देखो, राकेश के भाई के पिता, राकेश के भाई के पिता ये हो गए, ठीक है, और वो कौन है, महिला के दादा के इकलौते पुत्र है, ठीक है। तो यह महिला राकेश को क्या लगती है वो हमें बतानी है, कि अब महिला का और राकेश का क्या संबंध है वो हमें बताना है। अब देखो, ये महिला के दादा हैं, ठीक है, दादा के बेटे ये हो गए, दादा के बेटे महिला के क्या लगेंगे, या तो चाचा हो सकते हैं या पिता हो सकते हैं। और ये देखो, इकलौते लिख रखे है ना, इकलौते, इकलौते तो फिर वो बाप ही होगा, अकेला ही होगा, चाचा नहीं हो सकता, बाप होगा, ठीक है, ये हो गया बाप। अब बाप का ये देखो नीचे की तरफ बेटा है ये, ठीक है, और ये जो बेटा, जो भाई है, ये राकेश का है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या निकलेगा, ये क्या हो जाएगी, बहन हमारी हो जाएगी। तो राकेश की क्या लगती है, बहन लगती है। तो दोस्तों, इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और अभी देखिए, इसमें क्वेश्चन काफ़ी है दोस्तों, अगर आप करना चाहें तो ये कर सकते हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको हमारी ऐप निमिजनेट में मिल जाएंगे। और अभी हम देखिए, लेटेस्ट क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, एक आपको 2023 यूजीसी नेट एग्जाम में आया हुआ है। एक महिला किसी पुरुष का परिचय देते हुए कहती है, एक महिला देखिए, ये रही महिला और किसी पुरुष, ये पुरुष है, इसका परिचय देते हुए कहती है, वह उसकी माता के भाई का पुत्र है। ये जो है, इसकी माता के भाई का पुत्र है, महिला की माता ये होगी, माता का भाई क्या हो गया, माता के भाई क्या हो गया, मामा लगेगा, इस महिला का क्या होगा, ये मामा हो गया, ठीक है। तो उसकी माता के भाई का पुत्र है, ये देखिए, उसकी माता के भाई का पुत्र है, ये भाई, भाई का पुत्र ये हो गया, यानी कि मामा का लड़का हो गया, सीधी सी बात है यार, अपनी माँ के भाई का पुत्र, हमारी माँ का भाई, हमारी माँ का भाई कौन होगा, मामा होगा, और उसका बेटा क्या लगेगा, हमारा, मेरा भाई लगेगा, सिंपल सी बात है यार, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। और दोस्तों, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डायग्राम बनाओ एग्ज़ाम के अंदर, कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है, इसमें डायग्राम बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, कि अपनी मामा, अपनी माँ का भाई का पुत्र, अपनी माँ का भाई, मामा लगा उसका पुत्र हमारा, ममेरा भाई लगा, सिंपल सी बात है। फिर भी आप कंफर्म करने के लिए, अपना अपना आंसर कंफर्म करने के लिए इस तरह से डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं डीआई के। और ये बाकी जो क्वेश्चन रहे हैं ना दोस्तों, ये देखिए, ये क्वेश्चन है जैसे, और ये क्वेश्चन है, तो ये सभी क्वेश्चन आपको करने हैं, करके देखने हैं। अगर आपको नहीं आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों, हमने हमारी ऐप निमिजनेट में 2012 से लेकर 23 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर अलग अलग किए हुए हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, आईसीटी, तो वो आप ले सकते हैं, कंप्लीट स्टडी कोर्स हमारा ले सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको पेपर सेकेंड के स्टडी नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट nimiji.net ज़रूर विजिट करना। यहाँ पे आपको ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, स्टडी नोट्स मिलेंगे, लाइव मॉक टेस्ट मिलेंगे, तो बहुत कुछ मिल रहा है, आप हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करना। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में, नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी, नंबर तीन पे दोस्तों आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2023 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे, जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आज के वो अलग है, आईसीटी के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों, जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं,
मिलेगी। हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं, जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैम्पलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर 6 पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। नंबर 7 पे दोस्तों आपको मैथ और डीआई के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिलेंगे नोट्स के अंदर। इस दौरान दोस्तों वीडियोस आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड मिलेगी। जो दोस्तों लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है, और जो रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप 500 से लेकर 1000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है, तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू।